महाराष्ट्र में लगातार जारी सियासी अटकलें तेज हो रही है। सूत्र के मुताबिक इस वक्त जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उद्धव गुट के बाद अब शरद पवार को भी बड़ा झटका लग सकता है। अजित पवार की अगुवाई में एनसीपी के विधायक अब बीजेपी सरकार में शामिल होने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि एनसीपी के करीब 30 ऐसे विधायक है जो बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए समर्थन देने को तैयार है। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। एनसीपी नेता अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच यह बात सामने आ रही है कि अजित पवार एक बार फिर से भाजपा शिंदे के साथ सहयोगी समर्थन जुटा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के 53 विधायकों में से लगभग 30 से 34 ऐसे विधायक हैं जो अजित पवार को भाजपा के साथ हाथ मिलाने और शिंदे फडणवीस सरकार का हिस्सा बनने को लेकर इच्छुक है और अपना आंतरिक समर्थन दे दिया है। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो आंतरिक जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये बड़े उलटफेर महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल सकता है। जिन नेताओं को अजित पवार को समर्थन मिल रहा है उनमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे जैसे प्रमुख चेहरे शामिल हैं। वहीं प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्वाड बीजेपी से हाथ मिलाने के पक्ष में नहीं है। अजित के समूह ने शरद पवार से मुलाकात की है और उन्हें सूचित किया है कि विधायक भाजपा के साथ गठबंधन करने का इच्छुक है। हालांकि शरद पवार ने बीजेपी शिंदे के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है।